महारानी की जय हो। क्या उस राज्य की महारानी इस जय के योग्य है जिसकी पुत्र वधु का भरी सभा में वस्त्र हरण किया गया हो और वो वस्त्र हरण युवराज के आदेश पर किया गया हो और उस राज्य के बड़े बूढ़ों ने कुछ नहीं कहा? अब उस राज्य की महारानी होना गौरव की बात नहीं है विदुर जी, गौरव की बात नहीं है। ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सभी देखते रह गए। यदि आंखें खुली हों तो मनुष्य देखने के लिए विवश हो जाता है महारानी। क्या आंखें केवल देखने के लिए होती हैं? क्या आत्मा के आंगन में आंखों की और कोई खिड़की नहीं खुलती? यदि खुलती है तो ताजश्री क्यों नहीं बोले? जिस राज सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा है उस राज सिंहासन का इतना बड़ा अपमान उन्होंने सहन कैसे कर लिया? दुर्योधन तो आचार्य द्रोण का शिष्य है, क्या उन्होंने उसे यही शिक्षा दी है? यदि नहीं तो उन्होंने अपनी शिक्षा का अपमान सहन कैसे कर लिया? कृपाचार्य तो कुल गुरु है, उन्होंने कुल की मर्यादा के वस्त्र हरण का दृश्य किन आंखों से देखा विदुर जी? अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है महारानी। ताजश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य ये सभी सभ्य और शिक्षित हैं, अपने कर्मों के लिए तर्क का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। मैं तो आपसे केवल इतना कहने के लिए आया हूं महारानी कि कुरु वंश को सर्वनाश से बचा लीजिए। क्रीड़ा भवन में मेरा आत्मविश्वास ऐसा डिगा कि मैं अब तक संभल नहीं पाई हूं। क्या होगा, क्या ना होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा? आप तो देख सकते हैं विदुर जी कि मैंने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांध रखी है। आप अपनी ये प्रार्थना लेकर अपने भ्राता श्री के पास जाइए, अपने ताज श्री के पास जाइए। इस समय मेरे चैतन्य के इस कोमल शरीर पर प्रश्नों के हजारों हजार कीड़े रेंग रहे हैं। मैं तो उस गाय की भांति हूं जो कि अपने चलते हुए घर के आंगन में मर्यादा के खूंटे से बंधी अपनी ओर लपकती हुई ज्वाला को देख रही है और विवश है। भरत वंश की मर्यादा का दर्पण तड़क गया विदुर जी। आइए इसका शोक मनाएं। शोक समस्याओं का समाधान नहीं है महारानी। जब से आए हो मुझे महारानी कह रहे हो विदुर, क्या तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारी भाभी भी लगती हूं? जब दुर्योधन ने भरी सभा के सामने मुझसे ये कहा कि मैं सभा से निकल जाऊं तो महाराज ने दुर्योधन से यह कहना उचित नहीं जाना कि उसे अपने काका से ऐसे असभ्य शब्द नहीं कहने चाहिए।
तो अब मैं आपको भाभी श्री किस मुंह से कहूं, किस मुंह से कहूं? किंतु मेरी विवशता यह है कि हस्तिनापुर मेरी कर्मभूमि है, कर्मभूमि। कर्म भूमि है न वितुर, कारागृह तो नहीं कि जिसके निर्दयी द्वार तुम खोल ही नहीं सकते? ये दासी पुत्र अपने स्वामियों के घर को छोड़ भी तो नहीं सकता महारानी, इसलिए जब तक ये पीड़ा सही जाएगी सहन करता रहूंगा। और आज मैं उस दिन के विषय में सोचना भी नहीं चाहता जिस दिन ये पीड़ा मेरी सहन शक्ति की सीमाओं को पार कर जाएगी। आज्ञा चाहता हूं महारानी। कहां जाओगे? हस्तिनापुर में ज्ञान के जितने द्वार हैं मैं उन सबको खटखटाऊंगा। प्रणाम भाभीश्री। भगवान तुम्हें शांति दे। शांति तो आज केवल स्मशान में होती है, मुझे शांति नहीं अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और ये वो प्रश्न है जो भारतवर्ष की आत्मा अपने आप से पहली बार कर रही है कि मर्यादा की परिभाषा क्या है, पत्नी वस्तु है कि व्यक्ति? यदि द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्मानुसार ठीक है तो फिर अधर्म क्या है? ऐसे ही कई और भी प्रश्न है भाभी श्री, कई और प्रश्न है। यदि कहीं इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो मुझे भी बता जाना। जो आज्ञा।